हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप उमंग से कैसे अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हो, कैसे बैलेंस चेक कर सकते हो, कैसे आपको उमंग लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, सब चीज़ बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पर उमंग लिखना है। उमंग पे आने के सबसे पहला वाला ऑप्शन देख सकते हो आप, उमंग ऐप के लिए गवर्नमेंट सर्विस है। आप चाहे फ़ोन पे और सिस्टम में दोनों पे सेम ही शो करते हैं, ठीक है। आपको गूगल पे उमंग डालना है, या तो उमंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है आपके फ़ोन में, या तो लैपटॉप में साइट में ओपन कर लेना है। तो आपको जैसे उमंग ऐप को जैसे ओपन करेंगे, या तो साइट को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो, ऐसे आपकी ओपन होने के बाद आपको यहाँ से लॉग इन करना है या तो रजिस्टर्ड करना है। आपके पास अगर पहले से लॉग इन कर रखा है आपने, तो आपकी जैसे भी अपने मोबाइल नंबर से किया है या तो आधार कार्ड से किया है, आपको ऐसे लॉगिन कर लेना है या तो रजिस्टर्ड करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करके न्यू ओपन करना है। तो आपको दिखा देता हूँ, लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करना है। यानी कि देख लीजिए, आपको अगर आपने पहले से अगर कर रखा है रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि लॉगिन विद एम पिन। तो आपके मोबाइल नंबर डालना है, एम पिन डालना है, या तो विद OTP आपको मोबाइल नंबर डालना है, देन OTP पे आपको लॉग इन हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपकी जो OTP आएगा OTP को डालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। आपकी OTP आएगा, OTP को आपको सबमिट करना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे एग्री कर लेना है, देन रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एम पिन बनाने के लिए बोलेगा, तो एम पिन बना लेना है अपना, नेक्स्ट कर देना। आपको दोनों सेम रखना है, एम पिन करने के बाद आपको ऐसे लॉग इन हो जाएगा, आप देख सकते हो। लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अगर पीएफ चेक करना है, तो आपको यहाँ पे टाइप सर्च बार पे टाइप करना है EPFO, सर्च कर देना। आपको सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे EPFO का बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है कि ये EPFO की पासबुक या तो EPFO की डिपार्टमेंट पे आपको जाना है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, देखिए EPFO ये सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। EPFO की सर्विसेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपकी पेज ओपन होकर आ जाएगा आपकी EPFO की गवर्नमेंट सर्विसेज की। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर आपकी पासबुक की, आपकी रिक्वेस्ट फॉर एडवांस की, जो आप खुद से यहाँ पे एडवांस के लिए आप भर सकते हो। एक कोविड वाला है यहाँ पे, रिस्क क्लेम आपके स्कीम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे हो गया, रेस्ट क्लेम के लिए जैसे आपको एडवांस चाहिए तो रेस्ट क्लेम करके आप एडवांस विड्रॉ कर सकते हो। पासबुक के लिए, आपकी ट्रैक करने के लिए कि आपकी क्लेम पे क्या स्टेटस है, आपकी UN डाउनलोड करने के लिए है, ठीक है। आपको अभी जैसे आपकी PF की पासबुक चेक करने की आपकी अमाउंट कितना है कि नहीं है, तो आपको व्यू पासपोर्ट पासबुक पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद तो आपको यहाँ पे आपकी UN नंबर मांगा जाएगा। इसके लिए आपकी वन टाइम इसकी एक्टिवेशन आप कहीं से भी करके होना चाहिए आपकी UN को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके UN नंबर मांगेगा, UN नंबर को आप डाल देना है। करने के बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP क्लिक करने के बाद आपकी जो भी नंबर से आपके लिंक होगा उस नंबर पे OTP आएगा, आपको OTP को यहाँ पे सबमिट करना है। तो OTP यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो भी आपकी यहाँ पे पासबुक होगा, देखिए मेरा दो पासबुक यहाँ पे, तो दोनों शो कर रहा है, ठीक है। जो भी आपके लेटेस्ट वाला होगा उस पर क्लिक करके अपना पासबुक को आप चेक कर सकते हो। ऐसे उमंग से आप अपने पासबुक को चेक कर सकते हो, आपकी क्लेम को, स्टेटस को चेक कर सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।